Being a horror fan and watching a show like this. उस जिसकी वजह से जापान में तहलका मच गया था अब ये हंगामा कैसे शुरू हुआ था उसको छह एपिसोड की सीरीज में हमें दिखाया गया है नेटफ्लिक्स पर सही बताऊ ना इस सीरीज को देखने वाली ऑडियंस दो तरीके की होगी एक तो वो जिनको ये शो ऐसा लगेगा oh wow! और दूसरी वो जो ये करेंगे To be brutally honest, Juon is so dull. I literally felt like they were playing with my feelings. Horror के नाम पर हमें psychological horror देखने को मिलता है, जिसको घिने चुने लोग ही feel कर पाते हैं, और वो भी वही करते हैं जो उस घर के contact में आए होते हैं. Show में ultimate level पर lazy scares हैं, और जो show का narrative भी है ना, वो भी extreme level पर slow है. But the violence of this show is स अपार्ट फ्रॉम दिस स्टोरी ना कुछ ईयर में डिवाइडेड है शुरुआत के तीन एपिसोड तो काफी ज्यादा शॉर्टेड है लेकिन उसके बाद जब सीरीज आगे बढ़ती है तो थोड़ा सा ये शो टेगी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस आई वॉज लिटरली एक्साइटेड फॉर दिस शो बट आफ्टर द फर्स्ट एपिसोड आई नॉट नॉट इंटरेस्टेड एंड फाउंड आउट वेरी लेस इंटेंस इज लाइक वेरी इजी गोइंग सीरीज देर आर वेरी लिटिल टेरिफाइंग मूवमेंट्स उसके अलावा इस सीरीज में कुछ नहीं है सीरीज के कुछ कैरेक्टर्स मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे लाइक ओडा जीमा हारूका और क्योमी एंड आई विल ऑल्सो से एपिसोड फोर वॉज शो इज क्वाइट गुड बस थोड़ी बहुत कॉन्टीन्यूटी की दिक्कत है अगर आप गौर से देखते हैं तो अपार्ट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड गुड एंड बाई नोटिस जुआन ओरिजन इज टाइम पास है <laughs> देखो भाई पहले तो लाइक ठोक देना और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जाके मुझे एक बढ़िया मूवी बताना और हो सके तो सीरीज भी एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल